नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड के दबंग खान यानी एक्टर सलमान खान ज्यादातर ही अपने गुस्से का इजहार पब्लिकली कर देते हैं। बात चाहे बिग बॉस की हो या एयरपोर्ट पर सेल्फी लेने वाले का मोबाइल छीन लेने की, सलमान अपने गुस्से पर कई बार काबू नहीं रख पाते। इतना ही नहीं, कई बार वो इंटरव्यू देते समय भी अपना आपा खो देते हैं। एक इंटरव्यू में सलमान ने अपना गुस्सा महेश भट्ट पर भी निकाल दिया था। क्या था ये किस्सा, आइए आपको बताते हैं। सलमान पर कभी हिरन के शिकार तो कभी शराब पी कर गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा देने का आरोप लगता रहा है। एक्टर के गुस्से की बातें भी कई बार सामने आई हैं। ऐसा ही एक विवाद उनके साथ तब जुड़ गया था जब वो दिसंबर 2013 में समाजवादी पार्टी के वार्षिक कार्यक्रम सैफई महोत्सव में शामिल हुए थे। सलमान के साथ आलिया भट्ट और कई और एक्टर्स भी इस कार्यक्रम में अपना स्टेज परफॉर्मेंस देने पहुंचे थे। बता दें कि जिस वक्त ये कार्यक्रम हो रहा था उस दौरान मुजफ्फरनगर दंगा भी हुआ था। दंगे में एक तरफ लोगों का ये मरना और दूसरी तरफ ये मौज मस्ती लोगों को रास नहीं आई। सैफई महोत्सव में शामिल होने पर सपा सरकार के साथ ही सलमान खान आलिया भट्ट की खूब किरकिरी हुई थी। जब सलमान खान से एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि समारोह में शामिल होने के संबंध में महेश भट्ट ने तो माफी मांगी थी लेकिन आपने नहीं, ऐसा क्यों? इस बात पर सलमान खान बेहद गुस्सा हो गए और बोले कि महेश भट्ट ने डर कर माफी मांगी थी। सलमान ने कहा क्योंकि उसमें उनकी लड़की आलिया भट्ट भी शामिल थी और वो एक पिता होने के नाते इन चीजों से उसे दूर रखना चाहते थे। सलमान ने कहा कि उनकी नौकरी है एक्टिंग करना और वो सैफई महोत्सव में अपनी नौकरी ही कर रहे थे। बता दें कि सलमान इस इंटरव्यू में इतना गुस्से में थे कि वो हाँफने लगे थे और कई बार वो गुस्से में कुछ बोल नहीं पा रहे थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।